और क्या हाल है पक्षियों? तो उम्मीद है आप घर पर बैठे होंगे और मस्ती मार रहे होंगे और कुछ अच्छा देख रहे होंगे और या फिर अपनी बेबी का हाथ का मार ही खा रहे होंगे। यार पूरी दुनिया इस समय महामारी में फंसी हुई है और उसका उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनका अलग ही बकचोदी चल रही है। खुद ही सुन लीजिए। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि देखिए, डॉक्टरों के इलाज से ये ठीक होगा नहीं, वायरस को फैलने से रोक पाएंगे नहीं। एक ही रास्ता है, जिस जिस कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुझे संकल्प दे देंगे कि मेरे देश को आप मुक्त कीजिए कोरोना वायरस से, उस देश का सारा जो वायरस है उसको मैं दैवी शक्तियों से मैं खत्म कर दूंगा और आगे मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा, वो देश मुक्त हो जाएगा। सुना आपने? वाह भाई वाह, अपनी देवी शक्तियों से हम सबकी जान बचाएगा ये सुतर बाबा। इसको कोई चाइना भेजो रे, वहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है, यहाँ तो हम कैसे भी संभाल लेंगे। और भाई साहब कईयों के तो लौड़े लग चुके हैं, कतई धंधे का चुतर चौपाटा हो रखा है, कहीं बैठ के लिटरली लिटरली तमाकू खा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। देख लिया भैया, ये जब थे ना तब अलग ही बकचोद लेवल पर थे, फिलहाल इनका चूतर चौपाटा हो रखा है। भारत की आम जनता को ये कुछ नहीं समझते थे, आप खुद ही देख लीजिए। और किसी को प्रणाम करना हो तो शूद्र को करते हैं, ब्राह्मण को मत्था नहीं मारते हैं? आज तक किसी ने सुना कि किसी को मत्था मार के प्रणाम किया हो? उधर से इधर से दोनों माथे का टक्कर होता हो, अपना माथा ये ब्राह्मण जब शूद्र के चरणों में झुकता रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। भाई इस हिसाब से तेरी गांड भी तीसरे जेंडर समान है, लेकिन हमने कुछ बोला क्या? और इन चुतियों को लगता है कि ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, क्या घंटा बनाएंगे जी। आइए इनकी तप साधना को देख लेते हैं कि भारत को ये विश्व गुरु कैसे बनाते हैं। लगता है इन चुतिया बाबाओं के बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई मुझे तो लगता है कि महामारी से ज्यादा खतरा तो इनसे है, भारतीय महिला सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये सीरीज चलती रहेगी रोस्ट ऑफ बाबाज, ठीक है? तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंटरनेट खत्म होने के बावजूद भी वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर और लाइक जरूर कर देना, वीडियो के बारे में बताना जरूर। Thank you very much. Thanks for watching.